टुडेज माय टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज नंबर 21 निकाले बेटा और एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर के मुताबिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म अ टास्क। कंप्यूटर को किसी काम करने के काबिल बनाने के लिए, उससे कोई काम लेने के लिए जिन इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है उन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर। दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि जिस चीज को हम छू नहीं सकते लेकिन उससे हम काम ले सकते हैं उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे, जिस चीज के बारे में, वो है सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स की टाइप्स के बारे में। ठीक है, इसके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या काम होते हैं और किस तरीके से हम इसको इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी हिदायत का नाम है जिसके जरिए से हम कंप्यूटर को काम करने के काबिल बनाते हैं, जिसके जरिए से हम कंप्यूटर से काम ले सकते हैं। हमें कोई भी काम करना हो किसी भी किस्म का, तो हम सॉफ्टवेयर के जरिए से। इसकी दो टाइप्स है, नंबर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, नंबर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की तमाम किस्म की हार्डवेयर वगैरह की नॉलेज वगैरह को, हमारे तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, तमाम चीजों को कंट्रोल करता है, उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो भी हमें काम करना होता है हार्डवेयर के मुताबिक, जो कंप्यूटर के पुर्जे, जैसे कि स्पीकर है, जो भी चीजें, सब चीजों को हमें क्या करना होता है, सबको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज प्रोग्राम, ये तमाम चीजों को कंट्रोल कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। उसकी टाइप से सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को काम करने के काबिल बनाता है। उसकी टाइप्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसमें से एक उसकी टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक राबते का काम करता है हमारे और कंप्यूटर के दरमियान, यानी जो भी हमें कंप्यूटर से मदद चाहिए या कंप्यूटर को जो चीज इंस्ट्रक्शन देनी है वो कौन किस तरीके से होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से। ठीक है, जैसे कि विंडो है, लिनक्स है, अगर हम सिस्टम में विंडो नहीं डालते तो कंप्यूटर हमारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, किसी काम का नहीं रहेगा। लिनक्स है, ठीक है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस है, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारी जो टाइप्स है ये किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन ब्रिज है हमारे और कंप्यूटर के दरमियान, एक पुल का काम करता है हमारे कंप्यूटर के, हमारा रास्ता जोड़ता है कंप्यूटर से, हम उसके जरिए से काम अपना अंजाम दे सकते हैं। फिर हमारा सेकेंड है इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स। जब भी हम कोई काम करते हैं कंप्यूटर तो उसका हमें ड्राइवर डालना पड़ता है। ठीक है, आप अगर स्पीकर लगाते हैं तो उसके अंदर हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसकी हमें आवाज चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर से ऐसे ही थोड़ी आवाज आ जाएगी, जब हमें आवाज चाहिए होगी तो जब हम उसके अंदर कोई चीज अटैच करेंगे, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्कैनर हो, तो उसके लिए हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि डिवाइस ड्राइवर के अंदर मौजूद है। उसके जरिए से हम तमाम ड्राइवर्स वगैरह उठा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके जरिए से हम अपना काम अंजाम दे सकते हैं। आवाज के लिए चाहिए, वॉइस स्पीकर लगाए तो फिर हमें ड्राइवर देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जो है हमारे डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर आती है। फिर अ डिवाइस ड्राइवर इज ट्रांसलेट बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर डिवाइस। फॉर मेनी डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डिवाइस प्री इंस्टॉल्ड। और यही वो डिवाइस ड्राइवर है जिसके जरिए से तमाम चीजों की अटैचमेंट वगैरह होती है। फिर हमारे आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी मींस बीइंग यूजफुल। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज। यूटिलिटीज प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर कंप्यूटर में डाले जाते हैं। ठीक है, जब आप कोई गाड़ी चला रहे होते हैं तो उसमें हमें इंजन के अंदर ऑयल डालना होता है ताकि गाड़ी हमारी और अच्छे तरीके से चल सके। ऐसी बहुत सारी मिसालें, ठीक है, हमें और उसको अच्छे बनाना है, उसमें कोई एसी लगा लिया, कोई फैन लगा लिया, ठीक है, ताकि हमें
ड्यूरिंग द ड्राइविंग हमें हवा वगैरह लगी, गर्मी से बच सकी, ठीक है, एक्सोशन वगैरह नहीं। तो इसी तरीके से जब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह या प्रोग्राम कंप्यूटर में डालते हैं तो उससे हमारे कंप्यूटर को बेहतर होता है। उसकी एक बेहतरीन मिसाल एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को हमें क्लियर करना होता है, ठीक है, मसले हो जाते हैं, कंप्यूटर खराब हो जाता है, फाइलें वगैरह हमारी करप्ट हो जाती है, शॉर्टकट बना रहा होता है, तो उसके लिए हमें एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करना होता है, उसे हमें इंस्टॉल करना होता है उसके अंदर, ठीक है। डिस्क क्लीन वगैरह ये सब चीजें जो है हमारे एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। डिस्क क्लीनर है, कंप्यूटर में कोई मसला होगी आपको डिस्क क्लीनर का ऑप्शन है, उसे क्लियर करना है, तो उसके जरिए से हम डिस्क को अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटीज प्रोग्राम्स है, एंटीवायरस वगैरह हुए, दूसरी चीजें हुई, डेस्कटॉप मैनेजर, ये सब चीजें और ये यूटिलिटीज वगैरह, डिस्क क्लीनर वगैरह, डिस्क को साफ करना, ये सब हमारा यूटिलिटीज प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो चंद डेफिनेशन मैंने आपको आज जो है एक्सप्लेन करी है, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।